लास्ट लेक्चर में अपना हैवी मटेरियल्स हमने चालू कर दिया था, और हैवी मटेरियल्स में हम लोगों ने क्या कंप्लीट कर लिया था, अपना कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो को हम लोग कंप्लीट कर चुके थे, और उसमें हमने देखा किस तरीके से कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं और ये डिसाइड करते हैं, क्योंकि हमने क्या करा था, रोड की कंपोजिशन को पढ़ा था, लाइक सबसे पहले सब ग्रेड, फिर सब बेस, फिर बेस फोर्स, फिर बाइंडर फोर्स, फिर सरफेस बेयरिंग फोर्स। तो हमने पहले सबसे पहले जो उठाया था वो आपका सब ग्रेड उठाया था, और हमने देखा था किस तरीके से बाई यूजिंग कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो वी कैन डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सबग्रेड। हम सबग्रेड की क्वालिटी को देख सकते हैं कि क्या अगर हमने किसी भी सबग्रेड पर या सॉइल पर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो करा तो हमें ये आइडिया लग जाएगा क्या ये सॉइल सबग्रेड बनने लायक है या नहीं, या बोलेंगे क्या इसमें लोड को रेजिस्ट करने की ताकत है या नहीं। तो हमने लास्ट ईयर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो पढ़ लिया था, और कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, उसमें 2 मिनट का मेरा टॉपिक बचा हुआ है, तो मैं उसको आगे कंटिन्यू करूंगा। सबसे पहले हमने डिस्कस करा था कि सबग्रेड पर हम 2 टेस्ट करते हैं, सबसे पहला होता है कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, और सेकंड होता है आपका प्लेट पेनिट्रेशन टेस्ट, जिसमें हमने कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो तो पढ़ लिया था और वो भी हमारा थोड़ा बहुत छूट गया था। ठीक है, तो लास्ट टाइम मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस नहीं करा पाया था, अब मैं दैट मींस क्या क्या ऑब्जेक्टिव आएगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली बार मैं ऑब्जेक्टिव किसमें डालू, मैं रेड में डाल देता हूँ, रेड बॉक्स में, वैसे तो मैंने ठीक है। सबसे पहले कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो का फॉर्मूला, ये आपका पूरा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो भी मैं बॉक्स में डालता जा रहा हूँ वो सब आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने डिस्कस कर लिया था, मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, बस इसमें से मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालना भूल गया था कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहली बात, प्लंजर की डायमीटर आ सकती है, कि प्लंजर की डायमीटर क्या है, जो मैं बॉक्स में डाल रहा हूं रेड बॉक्स में, वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या आ सकता है आपका, प्लंजर की डायमीटर आ सकती है, प्लंजर की डायमीटर कितनी है। ठीक है जी, उसके बाद आपका जो प्लंजर पर हम फोर्स लगाते हैं उसका रेट क्या होता है, 1.25 mm/min, दैट मींस प्लंजर सॉइल के अंदर जो पेनिट्रेट करता है वो इतना करना चाहिए कि 1 मिनट में बस वो 1.25 mm ही जाना चाहिए। तो ये भी आपका क्वेश्चन है। उसके बाद कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो किस पर कैलकुलेट करा जाता है, 2.5 mm पर, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं निकालूंगा, और टेंशन ना लो, आजकल में आपके जितने भी सरकारी एग्जाम हुए हैं, देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, आजकल में आपके जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हुए हैं, कोई भी जेके एग्जाम हुआ है, 3-4 दिन के अंदर पेपर आ जाएगा उसका। मैं आपसे एक चीज हमेशा प्रॉमिस करता हूं कि जब भी आपका पेपर होगा मैं आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा कि लेक्चर्स में से कितना आपका पोर्शन आया है। तो 3-4 दिन के अंदर पेपर आ जाएगा और मैं आपको पूरा पूरा दिखाऊंगा कि लेक्चर्स में से क्या क्या आया है और क्या क्या नहीं आया है। हम ईमानदारी रखेंगे, ऐसा नहीं, देखो दो चीजें होती हैं, या तो मैं अपने 10-12 स्टूडेंट्स को ये बोल दूं कि यार तुम मेरी तारीफ कर दो कि सब कुछ सर में से पढ़ाया, सर के लेक्चर्स में से आया है। 10-12 स्टूडेंट को मैं क्या करता हूँ, ये बोल देता हूँ यार तुम मेरे, देखो हर टीचर के कुछ स्टूडेंट्स फेवरेट बन जाते हैं, तो या तो ये हो सकता है कि मैं अपने 10-12 स्टूडेंट्स को ये बोल दूं कि यार तुम ना बिल्कुल ये फैला दो कि सब कुछ मेरे लेक्चर्स में से आया है। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने देखा लोग क्या करते हैं, 10-12 स्टूडेंट्स को बोलते हैं यार तुम मेरी तारीफ करने में लग जाओ, वो नहीं करना है। हम प्रूफ के साथ बात करेंगे, हम अपने लेक्चर्स में से आपको एक एक क्वेश्चन निकाल के दिखाएंगे कहां कहां से लेक्चर्स आए, कौन किस लेक्चर से कौन सा क्वेश्चन आया। ठीक है जी, तो उसमें प्रूफ हो जाता है कि हाँ चलो यार बंदा यार जो बोल रहा है वो ईमानदार से बोल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो कितने प्लंजर की कितनी डेप्थ पर फाइंड करते हैं, 2.5 mm पर, और मैंने आपको 5 mm की भी कंडीशन बताई थी कि अगर 5 mm, अगर 5 mm में अगर आपकी लोड की वैल्यू ज्यादा आ रही है, जो लोड हम लगाते हैं, अगर 5, देखो पहली बात मैंने आपको लगा कि जनरली 2.5 mm पर लोड ज्यादा होता है, क्योंकि उसका सॉइल का ओरिएंटेशन बिगड़ जाता है। मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट मैकेनिज्म में, अगर सॉइल की पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है तो सॉइल की स्ट्रेंथ चेंज हो जाती है। तो 2.5 mm पर जैसे प्लंजर पेनिट्रेट करता है उसके बाद सॉइल का ओरिएंटेशन, दैट मींस पार्टिकल के जो अरेंजमेंट होता है वो चेंज हो जाता है, और ड्यू टू ओरिएंटेशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स स्ट्रेंथ गेट डिक्रीजेस, तो दैट मींस 2.5 mm पर लोड की वैल्यू ज्यादा आती है इन कंपैरिजन टू 5 mm, बट कभी कभार 5 mm पर भी ज्यादा आती है अगर सॉइल का ओरिएंटेशन, सॉइल पार्टिकल्स का ओरिएंटेशन ना हो। तो जब 5 mm पर ज्यादा आती है लोड की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट को फिर रिपीट करते हैं, अगर फिर भी 5 mm पर ज्यादा आया तो हम फाइनली कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो की वैल्यू कंसीडर करते हैं 5 mm डेप्थ पेनिट्रेशन पर। वैसे जनरली किस पर करी जाती है, 2.5 mm पर। ठीक है, और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे सकता है, ये दोनों को एक साथ दे सकता है, अगर दोनों एक साथ दे रखे 2.5 mm 5 mm तो हम दोनों को टिक करेंगे, बट ओनली अगर 2.5 mm दे रखा है तो हम 2.5 mm करेंगे, और अगर ये कंडीशन मेंशन है कि 5 mm पर बार बार ज्यादा आ रहा है तो हम 5 mm को ही कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने बॉक्स में डाल दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद हाँ एक और चीज आपसे, पहली बात तो रेट, आपको लोड कितना लगाना है, 1.25 mm/min, ये मैंने पहले डिस्कस कर लिया। सिलिंड्रिकल मोल्ड का साइज पूछा सकता है,
मोल्ड का कितना था 150 बाय 175 mm हाइट। डायमीटर कितनी थी मोल्ड की, जो मोल्ड यूज करते हैं कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो के लिए, उसमें कितनी उसकी डायमीटर थी आपकी 150 mm, और जो हाइट है वो कितनी है आपकी 175 mm। कॉलर का ऐसा कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ, कॉम्पैक्शन रेमेंट सर्च, ये सरचार्ज मेरा पता था, ऊपर हम प्लेट्स लगाते हैं, प्लंजर के ऊपर हम एक प्लेट्स लगाते हैं, उसको हम बोलते हैं एनुलर वेट। उस एनुलर वेट का भी आपको मास पूछा जा सकता है, जितना भी बॉक्स में डाल रहा हूं उतना सब कुछ आप पिक करते आओगे, क्योंकि मैं आपसे लास्ट टाइम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाया था, ठीक है। रैमर का पूछ लेंगे आपसे, रैमर का क्या था 4.89 केजी, रैमर का पूछ लिया जाएगा, ठीक है। ये भी पूछा जाएगा कि कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो में जब हम सोयल भरते हैं वो कितनी लेयर्स में भरते हैं, हम कितने लेयर्स में भरते हैं, 5 लेयर में। मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था, हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया था कि सोयल के अंदर, मैं आपसे इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ये मैं ऑलरेडी पहले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ, बट मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस ज्यादा नहीं कर पाया था कि कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके निकलेंगे, ठीक है। तो लेयर्स सोयल कितनी लेयर्स में भरी जाती है, सोयल को हम 5 लेयर्स में भरते हैं, और जो रैमर का वेट होता है जो हम बाहर हथौड़ा छोड़ते हैं ताकि सोयल कॉम्पैक्ट हो जाए, उसका वेट कितना 4.89 केजी, ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। प्लंजर के बाद हमें उस पर इतना लोड लगाना है कि भैया 1.25 mm से ज्यादा प्लंजर सॉइल के अंदर पर मिनट नहीं जाना चाहिए, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछूं, मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, जो क्रश्ड एग्रीगेट्स होते हैं हमें क्या करना है। देखो जी, इस टेस्ट को जिसने डिफाइन करा था या फर्स्ट टाइम परफॉर्म करा था उनको एक चीज तो पता थी कि जो एग्रीगेट्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो उन्होंने क्या करा, प्रैक्टिकल जो परफॉर्म करा वो सॉइल पर परफॉर्म करा, दैट मीन्स जो टेस्ट परफॉर्म करा वो सॉइल पर परफॉर्म करा, बट इस सॉइल को जिससे कंपेयर कर, इस सॉइल सैंपल को जो हम मॉल के अंदर सॉइल सैंपल यूज करते हैं, इस सॉइल सैंपल को जिससे कंपेयर करा, सॉइल सैंपल को जिससे कंपेयर करा वो था, कंपेयर किसी करा इन्होंने, क्रस्ट एग्रीगेट से, क्रस्ट एग्रीगेट। इन्होंने क्या बोला कि देखो एग्रीगेट क्या होते हैं, कंप्रेसिबल होते नहीं है, बिल्कुल ना के ब्रिटल होते हैं, कंप्रेसिबल होते नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि हम मिट्टी को कंपेयर करेंगे, जो सबग्रेड की मिट्टी है, जो नेचुरल अर्थ है, हम उसको कंपेयर करेंगे क्रस्ट एग्रीगेट से। तो क्या करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, जिस तरीके से हमने सॉइल पर प्लंजर को पेनिट्रेट करा था 2.5 mm पर लोड की वैल्यू जो आई थी उसको एरिया से डिवाइड कर दिया था, तो इन्होंने एक बार तो ये टेस्ट किस पर करा, सॉइल पर करा था, और एक बार ये टेस्ट किस पर करा था, क्रस्ट एग्रीगेट पर, इन्होंने पत्थर से कंपेयर करा सॉइल को, और फिर कंपेरिजन इन्होंने दे दिया। तो सबसे पहली बात, जब इन्होंने एग्रीगेट्स पर कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो परफॉर्म करा, जब इन्होंने एग्रीगेट्स पर कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो को परफॉर्म करा, देखो हमने तो सॉइल पर करा था, इन्होंने ऑलरेडी स्टैंडर्ड वैल्यू बना दी कि देखो जब हम एग्रीगेट्स पर कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो करेंगे तो 2.5 mm पेनिट्रेशन पर, जब एग्रीगेट्स की बात हो रही है आपको कितना लोड लगाना पड़ता है, 1370। अब इस 1370 देखो यहां पर लिखा हुआ लोड और यहां पर क्या लिखा हुआ, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब यहां पर स्ट्रेस की बात आ गई, स्ट्रेस की बात अभी, स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो इस फोर्स को अगर मैं बात करूं मेरे प्लंजर का एरिया कितना है, भाई मेरे प्लंजर की डायमीटर है 50 mm, तो आप क्या करोगे, इस एरिया क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, अगर मैं प्लंजर का एरिया फाइंड करूं तो पाई बाई 4 इंटू डी स्क्वायर, तो 50 स्क्वायर बाय 50 स्क्वायर इंटू 3.14 डिवाइड बाय 4, ठीक है भाई। तो दैट मींस जब हम एग्रीगेट्स पर कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो करते हैं और जब उस एग्रीगेट पर 2.5 mm पेनिट्रेशन हो जाता है, तो उस टाइम जो लोड आता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, ये लोड इसमें आता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में, जब ये लोड आता है कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में तो वो लोड कितना था, 1370। और इस 1370 को अगर मैं ये क्या हो गया फोर्स, और इस फोर्स को अगर मैं इस एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो क्या जाएगा मेरे पास, स्ट्रेस। तो अगर स्ट्रेस की बात करें तो कितना जाएगा, 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको जो mm है इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में, तो दैट मींस फोर्स ये रहा, फोर्स को जब मैं प्लंजर के एरिया से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास यूनिट स्टैंडर्ड लोड आ जाएगा। तो दैट मींस अब आपको बहुत इसको 10 स्टार मारो, या 5 स्टार, इसको 10 स्टार मारो, इसको मारो 10 स्टार, यहां से दबाकर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकलते हैं। मैंने क्या बोला कि मैंने जो अपनी ट्रांसपोर्टेशन की यूनिट नंबर 2 चालू करी है, इसमें से जबरदस्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और ऐसे बिल्कुल बीच बीच में से आएंगे। तो हमें ध्यान रखना है, जब कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो एग्रीगेट्स पर होता है
और जब 2.5 mm पेनिट्रेशन होता है तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू, ये स्टैंडर्ड वैल्यू हर बार सेम रहती है, इसको चेंज नहीं करना है। हाँ, सॉइल की वैल्यू हर बार चेंज होगी बट एग्रीगेट की वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, हर बार आपको ये लेनी है। हमें सॉइल का पेनिट्रेशन को एग्रीगेट के पेनिट्रेशन से कंपेयर करना है, हमें सॉइल के पेनिट्रेशन को एग्रीगेट के पेनिट्रेशन से कंपेयर करना है। तो दैट मींस अब आपको ध्यान रखना है कि जब 2.5 mm पेनिट्रेशन होता है तब उस टाइम स्टैंडर्ड कितना था, 1370। अब आप बोलोगे सर देखो स्टोन के केस में तो आपने बोला कि जैसे हम 5 mm पर जाते हैं तो आपने बोला सर लोड की वैल्यू तो घटती है, क्योंकि भाई साहब एग्रीगेट्स में ओरिएंटेशन नहीं होता बट सॉइल में ओरिएंटेशन होता है, पार्टिकल्स की ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, है ना, जब अगर यहां पर थे तो यहां आ जाते हैं। एग्रीगेट्स केस में ऐसा नहीं होता, तो एग्रीगेट्स केस में स्टैंडर्ड लोड बढ़ता है बट सॉइल के केस में जनरली लोड घटता है, क्योंकि वहां पर ओरिएंटेशन ऑफ पार्टिकल्स चेंज हो जाता है जिस कारण सॉइल की स्ट्रेंथ कम हो जाती है। सॉइल की अगर स्ट्रेंथ कम होगी तो उसके अंदर रेजिस्टेंस भी कम डेवलप होगा और लोड भी कम लगेगा। भाई देखो अगर जो मटेरियल जितना ज्यादा स्ट्रेस डेवलप कर सकता है उतना ज्यादा उस पर आपको लोड लगाना पड़ेगा। देखा नहीं, जैसे हम बोलते हैं जो आदमी जितना ही खतरनाक होता है उसको हराने के लिए उतनी ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो सॉइल का ओरिएंटेशन चेंज होता है तो सॉइल की स्ट्रेंथ घट जाती है, सॉइल के अंदर स्ट्रेस जनरेट नहीं होता, इस कारण सॉइल ज्यादा लोड को झेल भी नहीं पाता। इसलिए सॉइल के केस में जब आप 5 mm पर जाते हो तो लोड सॉइल के केस में कम हो जाता है बट एग्रीगेट के केस में ये लोड बढ़ता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से निकल कर आ सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे ये निकल कर आ सकता है कि 2.5 mm पर स्टैंडर्ड लोड कितना था। 5 mm के केस में जब हम स्टोन की बात करते हैं स्टैंडर्ड लोड, आपसे क्वेश्चन स्टोन नहीं बोलेगा, वो आपसे क्या बोलेगा कि कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो में स्टैंडर्ड लोड कितना है, वो आपसे एग्रीगेट नहीं लिखेगा। ये तो मैं आपको बता रहा हूं कि हम सॉइल को एग्रीगेट से कंपेयर करते हैं, पत्थरों से कंपेयर करते हैं, चट्टानों से कंपेयर करते हैं, टूटी हुई चट्टानों से कंपेयर करते हैं। व्हाट इज एग्रीगेट? क्रस्ट, रॉक, रॉक जो टूटती है उसी को एग्रीगेट बोलेंगे, सॉइल उससे बनती है, डिसग्रेडेशन ऑफ रॉक्स, उसको छोड़ो। तो स्टैंडर्ड पूछा जाएगा 2.5 mm पर स्टैंडर्ड का मतलब क्या, ये एग्रीगेट पर परफॉर्म करा गया, ये एग्रीगेट पर परफॉर्म करा गया भैया। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि देखो लास्ट टाइम इस लेक्चर को मैं ढंग से देखने पर, मतलब इस लास्ट टाइम हमारा ये टॉपिक छूट गया था और मैं आपको इस टॉपिक को इग्नोर नहीं कर सकते, इससे जबरदस्त क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कि जब आपका 5 mm की बात, 5 mm पर स्टैंडर्ड लोड का मतलब एग्रीगेट पर परफॉर्म करा हुआ होगा, उस पर लोड कितना 2055 kg, 7.5 mm पर कितना 2630 kg, 10 mm पेनिट्रेशन पर कितना है 3180 kg और 12.5 पे कितना है 36। तो ये सारे स्टैंडर्ड लोड है जो आपको सारी डेप्थ पर याद रखने रटन है, मैंने तो आपको सब साल पढ़ना सिखा दिया है इस तरीके से क्या होता है, बट ये आपको याद होने चाहिए। दूसरी बात, अब देखो अगर इस लोड को प्लंजर के एरिया से डिवाइड कर देगा तो आपके पास क्या जाएगा, यूनिट स्टैंडर्ड लोड। तो आपको ये भी ध्यान, आपको देखो याद ये रखना है और इसको प्लंजर के एरिया से पाई बाई 4 × 3² और डी क्या लेंगे प्लंजर का डायमीटर जो कि 50 mm था उसको लेके हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास यूनिट स्टैंडर्ड लोड आ जाएगा। आपको ये भी ध्यान रखना है, हो सकता है कि वो आपसे या तो स्टैंडर्ड लोड पूछेगा इन केजी या केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और एरिया को हम प्लंजर का एरिया डिवाइड कर देंगे। तो ये सारी वैल्यूज भी आपको याद रखनी है कि 10 mm पर स्टैंडर्ड लोड कितना था 3180 kg और इसी को जब मैं प्लंजर के एरिया से डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा यूनिट स्टैंडर्ड लोड 162 kg/cm². इस तरीके से टॉपिक था। इस टॉपिक्स को ध्यान रखना, बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, यहां से खत्म करता हूं इस टॉपिक को। नेक्स्ट, इसको आपको सबको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा याद रखो सबसे पहली बात आपको क्या रखना है, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो में हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। याद रखो जब लास्ट टाइम मैंने आपको एक लेक्चर दिखाया था, कुछ स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे थे, लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कुछ स्टूडेंट्स एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर रहे थे और जब उन्होंने लोड स्टार्ट कर दिया था लगाना, देखो जी मैं आपको दो चीजें बताता हूं। अगर मैं अपने स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व की बात करूं तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेस स्ट्रेन गन, याद है आपको स्ट्रेस, मेरा बता था कि दो टाइप की यूटीएम होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व और स्टील में हम क्या यूज करते हैं, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। क्या यूज करते हैं हम, यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन। अब आप ध्यान से देखना भाई, एक्स एक्सिस पर क्या होता है आपका स्ट्रेन, वाई एक्सिस पर क्या होता है आपका स्ट्रेस, और मैंने आपको ये भी बता रखा है कि एक्स पर स्ट्रेन ही क्यों होता है और वाई पर स्ट्रेस ही क्यों होता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखा सब कुछ। क्या हम इन दोनों की पोजीशन चेंज कर सकते हैं, नहीं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो क्या होता है कि मैंने आपको बताया यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में एक ड्रम होता है और ड्रम के अंदर एक ग्राफ बनता है, ठीक है, याद है आपको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन में क्या होता है, ड्रम होता है और ड्रम के ऊपर हम ग्राफ पेपर लगा देते हैं और ये पूरा आपका ग्राफ इस तरीके से बन कर आता है। फिर मैंने आपको उसी टाइम एक चीज बताई थी कि आजकल क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन यूज हो रही है जिसमें ड्रम नहीं होता
और आपको ये कंप्यूटर पे डायरेक्ट ग्राफ बन जाता है। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्योंकि मैं स्टील को टेस्ट कराने गया था, स्टील यूज होना था और स्टील को मैं टेस्ट कराने गया था, तो मुझे लगा था कि वो ड्रम वाली यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन यूज करेंगे, बट उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक खरीदी और एक ग्राफ मुझे डायरेक्ट बनता हुआ कंप्यूटर स्क्रीन पर दिख रहा था। मैं आपसे कहना ये चाहता हूं कि आजकल देखो दो चीजें होती हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेगा कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो ग्राफ किसके बीच में होता है, पेनिट्रेशन वर्सेस लोड। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो में, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना, कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो में जो आपका ग्राफ बनता है वो किस किसके बीच में बनता है, पेनिट्रेशन, मैं लिख देता हूं किस किसके बीच में बनता है ग्राफ, पेनिट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस एंड लोड ऑन, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, लोड ऑन वाई एक्सिस। तो मैंने आपको क्या बताया, कहने का मतलब क्या है, हम जो टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं उसमें ये जरूरी नहीं है, आपके पास दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो, इलेक्ट्रॉनिक अपैरेटस हो जिसमें ये ग्राफ डायरेक्ट बन जाता है। याद करो लास्ट लेक्चर मैंने आपको जो दिखाया था उसमें लास्ट में लड़का एक कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठता है। लास्ट में जब मैं आपको लेक्चर पढ़ाया था हमने एक वीडियो देखा था जिसमें लोगों ने कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो को परफॉर्म करा था, उसमें लास्ट में लड़का ने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठा, क्यों, क्योंकि उनके यहाँ पर ग्राफ डायरेक्ट बन रहा था। हमें क्या लगता है, इन केस हमारे पास जो अपैरेटस है कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो का, या आप ये बोल सकते हो कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन का, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो हम क्या करते हैं, हर पेनिट्रेशन पे, क्योंकि हमें पता है कि हमें जो रेट ऑफ पेनिट्रेशन रखना है वो कितना रखना है, 1.25 mm पर मिनट। हमें जो कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो में प्लंजर का रेट ऑफ पेनिट्रेशन रखना है वो कितना रखना है, 1.25 mm पर मिनट। हम क्या करेंगे, हर बार 1.25 mm को पेनिट्रेट करेंगे प्लंजर को, और वो हमसे कैसे, हमें कैसे पता लगेगा, हम डायल गेजेस लगा के रखते हैं। हम क्या करते हैं, हम कहीं पर है होगा कहीं नहीं, तो फोटो काम दिया वो, ये देखो हम यहां पर देख लो, अब यहां से ये डायल गेज हमें बताता है कि प्लंजर कितना पेनिट्रेट हुआ है, हमें हम डायल गेजेस लगा के रखते हैं। डायल गेजेस क्या होता है, जो आपको रीडिंग बता देता है, हम इसको शुरुआत में 0 पर सेट कर देते हैं, 0 पर बता देगा कितना एमएम आपका पेनिट्रेट हुआ है। तो हमें करेंगे जैसे जैसे 1.25 mm पेनिट्रेट होगा हम लोड की वैल्यू देते रहेंगे लेते रहेंगे, दैट मींस हर एक पेनिट्रेशन पर हम लोड की वैल्यू 1.2, पहले 1.25 mm करा लोड की वैल्यू लगी, फिर अगला 1.25 करा फिर लोड की वैल्यू लगी, फिर अगला 1.25 करा लोड की वैल्यू लगी, इस तरीके से 1.25 पे लोड की वैल्यू लेते रहेंगे। और हमें फाइनली अब हमारे पास मान लो इलेक्ट्रॉनिक मशीन नहीं है कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो के लिए, तो हम इसको मैनुअली क्या करेंगे, जो भी पेनिट्रेशन आया 1.25 mm, जो भी पेनिट्रेशन आया उस पर लोड की वैल्यू को प्लॉट करते रहेंगे। लोड और अगर हमें पेनिट्रेशन दोनों की वैल्यू पता ही है, क्योंकि डायल गेज हमें पेनिट्रेशन बताता रहेगा, और उस हर पेनिट्रेशन पे हम कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में लोड को देखते रहेंगे। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत तो नहीं, बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं, ठीक है अब मेरी बात ध्यान से सुनना, पानी पीऊंगा इसको, मेरी बात ध्यान से सुनो। आपको दो टाइप के कर्व मिलते हैं, क्या, एक तो जो बिल्कुल स्मूथ जा रहा है, अब आप ध्यान से देखना, देयर आर यू विल गेट टू टाइप्स ऑफ कर्व, एक बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, मतलब बिल्कुल एक सिंपल सा कर्व बन रहा है, अगर आप ध्यान से देखें इस कर्व की, तो ये कर्व बिल्कुल इस तरीके से जा रहा है, क्या इसमें कोई भी कॉनकेव पोर्शन आपको दिख रहा है, नहीं बोलोगे तो पूरा कॉन्वेक्स ही दिख रहा है। अब ध्यान से देखना, आप देखो हमें दो टाइप के कर्व मिलते हैं, एक तो बिल्कुल आपका बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बिल्कुल कर्व बन रहा है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैं नीचे वाले की बात करूं ना, तो ध्यान से देखो पहले ये कॉनकेव बन रहा है, देखो अगर हम नीचे वाले कर्व की बात करें तो पहले ये कॉनकेव बन रहा है यहां तक और फिर ये कॉन्वेक्स बन रहा है। अगर हम इस ग्राफ की बात करें तो बिल्कुल कॉन्वेक्स पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट अगर हम नीचे वाले ग्राफ की बात करें, पहले वो कॉनकेव बन रहा है फिर वो कॉन्वेक्स बन रहा है, कहने का मतलब क्या है, अब ये रीजन क्या है, दिस कैन हैपन ड्यू टू सरफेस इररेगुलरिटीज। आपका मान लो सरफेस में कोई अल्फा, जो जिस सरफेस पर, ध्यान रखना जिस सरफेस पे, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, जिस सरफेस पे मैं कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो का प्लंजर पेनिट्रेट करता हूं, उसको याद है आपको मैंने नाइफ से काट के लेवल करा था, जिस सरफेस पे हम कैलिफोर्निया ब्रिंग रेशियो करते हैं उसको हम लास्ट में क्या करते हैं, कॉलर को हटाते हैं, कॉलर को हमने हटा दिया था और उसके बाद मिट्टी को बिल्कुल लेवल रहा था। अगर वो मिट्टी लेवल नहीं हुई ढंग से या उसमें कुछ इररेगुलरिटीज हो गई तो आपका ग्राफ कभी भी परफेक्ट नहीं बनता है। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि इन कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो
यू कैन फाइंड टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व, जो बिल्कुल कॉन्वेक्स जा रहा हो जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और दूसरा कॉनकेव प्लस कॉन्वेक्स। तो अगर आपको पूछे कि ये दूसरा कर्व आ रहा है जिसमें बिल्कुल बिल्कुल कॉन्वेक्स नहीं बन रहा, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन क्या है, आप बोलोगे ना देखो चेंज हो रहा है, पहले ऐसे जा रहा है फिर ऐसे जा रहा है, तो इसका रीजन क्या होगा, इसका रीजन क्या है कि इस सरल सैंपल में जो नीचे वाला ग्राफ है उसमें आपने या तो मिट्टी ढंग से लेवल पर सॉइल को अच्छे से लेवल नहीं करा, और या फिर उसके अंदर कुछ वेजिटेबल कुछ भी घास वास कुछ हो सकती है, तो कभी भी वो ग्राफ ढंग से नहीं बनता है। तो अब इसका तरीका क्या है, तो अगर ये पूछा जाए कि इसका तरीका क्या है, मान लो वी नीड टू करेक्ट, अब देखो ये जो बिल्कुल सही से ग्राफ क्या है, नो नीड ऑफ करेक्शन, नो नीड ऑफ करेक्शन, इस ग्राफ में कभी भी करेक्शन नहीं दिया जाता। बट जो नीचे वाला ग्राफ मिला है, आप बोलोगे सर ये दोनों ग्राफ मिलते हैं, नहीं, हो सकता है अगर आप एक सॉइल सैंपल करो या तो आपको ये वाला ग्राफ मिलेगा या ये वाला ग्राफ मिलेगा, डिपेंड्स ऑन द टॉप सरफेस ऑफ सॉइल सैंपल इन मोल्ड, जो मोल्ड का टॉप सैंपल है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या तो आपको ऊपर वाला ग्राफ मिलेगा, अगर ऊपर वाला ग्राफ मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम क्या करेंगे 2. अब देखा ध्यान से, ये 2.5 mm पेनिट्रेशन है, 2.5 mm पेनिट्रेशन पर देखो, अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं, अब ध्यान से देखना, अगर मैं 2.5 mm की बात करूं तो ये बिल्कुल देखो, अब मैं आपको दिखाता हूं इसको, मैं पूरा क्लियर करूं इसको, तो नहीं कर पाऊंगा, देखो क्या हमने क्या करेंगे, जो जो वैल्यू आती है वो लोड हम लिखते जाएंगे, ध्यान से देखना, अगर मैं ये बात करूं, अगर मुझे 2.5 mm की बात करनी है तो ध्यान से देखो, इस 2.5 mm पर स्ट्रेट लाइन लेके जाओ, स्ट्रेट जाके बिल्कुल इस तरीके से ये देखो, तो देखो अगर मुझे अब कैसे पता लगेगा कैलिफोर्निया क्या वैल्यू है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो की, तो अब ध्यान से देखना, मैंने आपको फॉर्मूला बताया कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो का, था क्या फॉर्मूला, ये रहा, जो भी लोड आया है 2.5 mm सॉइल पर उसको हम कंपेयर किससे करेंगे, स्टैंडर्ड लोड से, तो अब ध्यान से देखना हम क्या करेंगे, हमारी सॉइल पर हमें ग्राफ मिल गया है, हमारी सॉइल पर हमें ग्राफ मिल गया है, हमारी सॉइल पर हमारी सॉइल पर हमें ग्राफ मिल गया है, तो हम क्या करेंगे 2.5 mm पे जाएंगे, कितना लोड था भैया 49, 2.5 mm पर कितना लोड है 49, इस 49 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 1370 से, हम किससे डिवाइड कर देंगे 1370 से मल्टीप्लाई बाय 100, खत्म बात, तो यहां से समझो मेरी बात, ध्यान सुनो, इस तरीके से वैल्यू ली जाती है, आपने अगर लोड लिख लिया 2.5 mm पर कितना लोड आया था उसको हमने देख लिया स्ट्रेट लाइन बना के, और इस लोड को हमने स्टैंडर्ड लोड जो कि एग्रीगेट लोड था उसे डिवाइड कर दिया, और हमारे पास कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो की वैल्यू आ जाती है। अब बात ये आती है, मैंने आपसे बोला कि आपको दो यू कैन हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कर्व्स, जो बिल्कुल स्मूथ जा रहा हो और जिसमें एक में कॉनकेव जा रहा है फिर कॉन्वेक्स जा रहा है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसमें आपको ये करना पड़ेगा, अब ध्यान से देखना, इसको मैं पूरा मिटा रहा हूं, थक गया बिलीव नहीं करोगे, स्टेप सुबह के 4 होते हैं, टू ए थोड़ा फिर ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, बाहर में सुबह के 4 बजे जग गया, मेरी शक्ल भी आपको ऐसे लग रही होगी, सोता सोता मैं लग रहा हूँ, क्या करें सुबह 4 बजे जगना पड़े, ठीक है, अगर हम आगे की बात डिस्कस करें, ध्यान से देखना, इस कारण में आएगा क्वेश्चन ये भी, अगर आप IAS का एग्जाम लोगे, मैं बोलता हूँ कि चलो आपके जे लेवल पे नहीं है बट हो सकता है कि आपका असिस्टेंट इंजीनियर के लेवल पे आ जाएगा, इस कर्व में कोई करेक्शन रिक्वायर्ड बट इसमें है, अब ध्यान से देखना, जहां इसका सबसे कर्व वाला पोर्शन, ध्यान से देखो, अगर मैं इसकी बात, ये कॉनकेव वाला पोर्शन बनाऊं, ये देखो ध्यान से, तो सबसे आउटर पॉइंट कौन सा, सबसे दूर वाला पॉइंट कौन सा, आप बोलोगे सर ये वाला है कि नहीं है, आप बोलोगे सर बिल्कुल है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसका सबसे आउटर पॉइंट है, इसका आउटर मोस्ट पॉइंट, आपको कुछ नहीं करना, ये जो आउटर मोस्ट पॉइंट है ना कर्व का, यहां पर आपको डाल देनी है टेंजेंट, देखना चाहिए ये जो आउटर मोस्ट कर्व है ना, देखो ध्यान से, इस पर मैं डाल दूंगा टेंजेंट, देखो समझ में आ गई बात, और इस आउटर मोस्ट कर्व पे जब मैं टेंजेंट डालूंगा, उस टेंजेंट को मुझे इस कर्व से ज्वाइन कर देना है, ये देखो बन गया कर्व, समझे, दिस इज द करेक्शन वी हैव अप्लाइड, करेक्शन वी हैव, अगर आप बोलोगे सर ऐसा कुछ देखा हुआ लग रहा है, तो भाई साहब मैंने आपको प्रूफ स्ट्रेस पढ़ाया था, प्रूफ स्ट्रेस में भी इस तरीके से हम टेंजेंट लेते हैं, याद है आपको मैंने प्रूफ स्ट्रेस बताया, प्रूफ स्ट्रेस क्या होता है, जब हमें डेफिनेट यील्ड पॉइंट नहीं मिलता तो हम प्रूफ स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटीरियल्स में, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरे को 3-4 दिन में पेपर आ जाता हूं आपको, मैं ईमानदारी से बताऊंगा क्या हमने जो पढ़ाया उसमें से आया या नहीं आया, क्योंकि डरने की जरूरत नहीं, जो पढ़ाया सब कुछ है,
भाई साहब सच में बताऊं 2 साल की मेहनत है पूरी 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 2 साल। आपको क्या लगता है, मैं भी हर एग्जाम मैं वो आपको आज फिर एक बात बता देता हूँ, मैं भी अपने कुछ हर टीचर कह जाता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा लोग फॉलो करें, मैं भी ये चाहता हूँ। बट आज अब क्या होता है, मान लो इनके सबका यूपी का एग्जाम निकल गया, अगर मैं यूपी एग्जाम के बारे में पढ़ाने लग जाऊंगा ना तो लोग मुझे ज्यादा फॉलो करेंगे क्योंकि उनको पता है कि इस टाइम ट्रेंडिंग में ये एग्जाम है। बट मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये जो मैंने 2 साल की मेहनत करी है ना ये मैं बर्बाद। हाँ जब यूपी के एग्जाम आ जाएंगे मैं भी यूपी के लिए पढ़ाऊंगा, जब पंजाब के एग्जाम आ जाएंगे मैं भी पंजाब के लिए पढ़ाऊंगा, जब असिस्टेंट इंजीनियर का एग्जाम होगा तब भी मैं पढ़ाऊंगा, जब एसएससी जेई का एग्जाम होगा तब भी मैं एग्जाम टाइम पढ़ाऊंगा। बट कब, जब ये मेरी 2 साल की मेहनत कंप्लीट हो जाएगी। बट मैं नहीं करूंगा अभी, जब तक मेरा स्टेज 2 कंप्लीट नहीं हो जाता मैं कुछ भी ऐसा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका, क्योंकि ऑलरेडी हमें कम टाइम मिल रहा है, उसके बावजूद भी अगर मैं उनमें लगे तो प्रॉब्लम नहीं। चल छोड़ो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हमने क्या करा, यहाँ पर हमने मारी एक टेंजेंट, यहाँ पर मारी हमने एक टेंजेंट और टेंजेंट से हमने कर्व को करेक्ट करा, ठीक है। तो ये तरीका भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया क्या है कि अगर कोई कर्व आपको स्मूथ नहीं मिल रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो कॉनकेव का सबसे आउटर मोस्ट पॉइंट है वहां पर हम डालते हैं टेंजेंट और टेंजेंट को हम जॉइंट करते हैं कर्व से, और अब इस टेंजेंट पर जो वैल्यू आएगी उसी को हम, जैसे मान लो 2.5 mm है तो इस 2.5 mm पर मैं बिल्कुल इस तरीके से लोड पर चल जाऊंगा, ठीक है भाई। इस ग्राफ को बनाने में पानी क्या हो, 2 मिनट भर मुझे सांस फूल गई अभी तो, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मुझे ये पता नहीं था कि इस लेक्चर में भी मैंने देखा तो 26 मिनट हो चुके हैं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इसमें 26 मिनट लग जाएंगे क्योंकि मुझे अपना नेक्स्ट टेस्ट भी चालू करना था जो कि प्लेट बियरिंग टेस्ट है, जो भी कौन सा है प्लेट बियरिंग टेस्ट। बट मैं इस टेस्ट को अभी इस लेक्चर में ना चालू करते, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको इवनिंग में ही देता हूँ लेक्चर, ठीक है। इवनिंग में इस लेक्चर को ले लेंगे, इवनिंग में मैं आपको अभी थोड़ा नाश्ता वाश्ता करूंगा फिर निकलना है काम धंधों पर, जो काम है वो तो करना ही है, उसके बाद में इवनिंग में आके फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करूंगा जिसमें मैं आपको प्लेट बियरिंग टेस्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है क्या। अब ठीक है, तो ये कहानी आपको कर्व की समझ में आ गई है, तो आप बोलोगे कि कैलिफोर्निया बेइंग इशू में हमें जब एक रेगुलर कर्व नहीं मिलता, एक ऐसा कर्व मिलता है जो कॉनकेव और कॉनवेक्स दोनों है, तो हम उसमें एक करेक्शन प्रोवाइड करते हैं जिसमें हम कॉनकेव के आउटर मोस्ट पर एक टेंजेंट मारते हैं, उस टेंजेंट को इस कर्व के साथ कॉनवेक्स के साथ ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है भाई, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट, तो हाँ ये क्या चीज आया था, ये है वैल्यू आपका, देखो ये है वैल्यू ऑफ सीडीआर, सीडीआर हमारे जमाने में भाई आजकल तो बहुत शानदार शानदार इंडियन बाइक आ चुकी है, एफजी आ गई, मेरे को एफजी बहुत पसंद है, मतलब पसंद थी, अब तो मुझे दूसरी बाइक्स पसंद है, मेरे पास एफजी भी थी पुराने जमाने में, जब आई थी एफजी तो मैंने एफजी जान लेना, तो सीबीआर हमारे टाइम पर एक सीबीआर भी थी होंडा की, वो भी जबरदस्त बाइक थी यार, सीबीआर भी बहुत अच्छी बाइक हुआ करती थी हमारे जमाने में, सीबीआर सबसे पहले, और एक हम सबसे पहले कौन सा सीबीजेड आई थी शायद, फिर सीबीआर है, तो ये हमारे जमाने की बहुत फेमस बाइक है, ठीक है, हम बहुत मरते थे इस बाइक के लिए, बाइक हमें मिल जाए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉइल्स पर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो की वैल्यू डिटरमाइन करी, हमने डिफरेंट डिफरेंट सॉइल पर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो की वैल्यू फाइंड करी, ठीक है भाई सर। तो जब हम ब्लैक कॉटन सॉइल पर, जैसे कि आपको पता है कि ब्लैक कॉटन सॉइल बहुत एक्सपेंसिव क्ले होती है, एक्सपेंसिव क्ले का मतलब क्या होता है, जिसमें बहुत ही ज्यादा वॉल्यूम चेंज हो, जब पानी के कॉन्टेक्ट में आएगा तो सॉइल का वॉल्यूम बहुत चेंज हो जाएगा, जब पानी निकल जाएगा तो वॉल्यूम फिर चेंज हो जाएगा, मतलब चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है जिस सॉइल में, उसको हम बोलते हैं एक्सपेंसिव सॉइल, और ब्लैक कॉटन सॉइल आपकी बहुत एक्सपेंसिव होती है, एक्सपेंसिव का मतलब क्या है, चेंज इन वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो रहा है सॉइल के अंदर ड्यू टू मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। तो जब हम ब्लैक कॉटन सॉइल पर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो को परफॉर्म करेंगे तो सीबीआर वैल्यू हमें मिलेगी कितने मिलेगी, 1 से लेके 2, यूनिटलेस होती है सीबीआर वैल्यू, भाई यूनिटलेस होती है सीबीआर वैल्यू, हम लोड के वैल्यू को लोड से डिवाइड, लोड देखो सॉइल के लोड को हम पत्थर के लोड से डिवाइड, एग्रीगेट के लोड से डिवाइड करते हैं तो यूनिटलेस हो जाएगा, तो ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएगा, सीबीआर वैल्यू क्या होता है, यूनिटलेस होता है, वैसे आएगा नहीं बट फिर भी मैं आपको बता दूं, एलुवियल सेट अगर सेट पर करा तो 2 से 5, अगर हमने सेट के ग्लेबर करा तो कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो कितनी आएगी, 3 से 5। ये टॉपिक भी आपका 10-4 इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ लेगा कि अगर हमने सेट के ग्लेबर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो करा परफॉर्म तो उस पर कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो की वैल्यू कितनी आती है, 3 से लेके 5, ठीक है भाई, ठीक है।
सैंडी क्ले, सैंडी क्ले कितनी होती है, सैंडी क्ले पर करोगे तो कितना, 4 से 6। ड्यून सैंड, ड्यून सैंड क्या था इसका, है तो सैंडी बट इसका पार्टिकल साइज होता है वो पॉइंट, जैसे हमारा 4.75 mm से लेके 0.075, तो नहीं कुछ 0.6 से लेके, ड्यून सैंड का साइज होता है मुझे याद आ रहा है 0.6 से लेके 0.05 समथिंग कुछ होता है, मतलब है तो सैंड ही बट 4.75 mm इसके साइज पार्टिकल से तो 0.06 समथिंग होते हैं, ठीक है। तो ड्यून सैंड पे अगर हम जब कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो करेंगे तो उसका सीवियर वैल्यू कितनी आएगी आपकी 6 से 8। वेल ग्रेडेड सैंड, वेल ग्रेडेड सैंड का मतलब क्या होता है, जिसमें सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं उसमें कितना आता है 8 से लेके 20। और ग्रेवल पे करोगे, ग्रेवल आप जानते ही हो तो 8 से लेके 20। अब आपके मन में डाउट ये आ रहा है कि सर मान लो मैंने ब्लैक वाटर सॉइल पर टेस्ट को परफॉर्म करा और मेरी सीवियर वैल्यू आ रही है 1 से लेके 2। मान लो मैंने ब्लैक वाटर सॉइल पर सीवियर टेस्ट करा और मेरी वैल्यू आ रही है 1 से लेके 2, तो क्या ये मेरे सबग्रेड के लिए अच्छा है, मैं बोलूंगा नो। क्या है मेरे सब, अगर अगर आप बोलोगे सर मैंने कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो फाइंड करी है तो क्या ये सबग्रेड के लिए अच्छा है, मैं बोलूंगा नो, मैं बोलूंगा नो। आप बोलोगे सर मैंने एक ऐसी सॉइल पर परफॉर्म करा जिसकी वैल्यू आ रही है 2 से लेके 5, मैं बोलूंगा नो। क्या ये अच्छी सबग्रेड है, नो, वेरी बैड सॉइल फॉर सबग्रेड। सिल्टी क्ले, ऐसी सॉइल जिस पर मेरी कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो 3 से 5 आई, ये हल्की फिल्की मॉडरेट, थोड़ा बहुत यूज कर सकते हो। और अगर मैं इनकी बात करूं 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से लेके 20, ये सबसे परफेक्ट है, दिस इज परफेक्ट सॉइल। That means California बिलिंग रेशियो में बताता है, अगर California रेशियो आपका 8 आ रहा है तो नो डाउट वो बहुत अच्छा सबग्रेड मटेरियल है। किसी भी सॉइल का अगर California बिलिंग रेशियो आपका 8 से लेके 20 तक आ रहा है, 20 से भी ऊपर आ रहा है, इवन कभी बार 20 से भी ऊपर आता है, तो वो हमारे लिए, दैट मीन्स आपको ये ध्यान रखना है कि इस रेंज में, मैं आपको टिक करता हूं, ये जो रेंज है अबव 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 20, अबव 4, देखो अगर 4 से लेके 6 ठीक है, मीडियम है, सबग्रेड के काम, इन दो वैल्यूज को, इनको मतलब 3 से 5 भी कंसीडर कर लेते हैं लोग, ठीक है 3 भी चलेगा, बट 2 आ गई 1 आ गई तो ये तो भाई साहब बहुत खतरनाक मटेरियल है। तो मैं बोल सकता हूँ दिस रेंज इज सुटेबल फॉर 4 से लेके 6 हो गई, मान लो किसी सॉइल के ऊपर कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो, किसी सॉइल के ऊपर कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो आपका 4 से 6 आया, 6 से 8 है तो ठीक है, बन सॉइल के लिए ठीक है, आप बोल सकते हो ठीक है हम सबग्रेड इसकी बना सकते हैं, 8 से 20 आए तो परफेक्ट है, वो तो 20 से ज्यादा है तो भी परफेक्ट है। तो ये जो रेंज है, दिस रेंज इज सुटेबल फॉर सबग्रेड, दिस रेंज ऑफ दिस सॉइल या फिर दिस टाइप ऑफ रेंज इज सुटेबल फॉर सब ग्रेड। तो आपको ध्यान रखना है, ये भी टेस्ट आ रहे हैं, दबा कर क्वेश्चन आते हैं इससे, आपको एक चीज ध्यान रखनी है गलती से भी, मतलब ये मैं सोच रहा हूँ कि इनसे क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका समय कितना हो गया, एक बार देख लो समय है हमारे पास, अभी 10 मिनट है और, ठीक है जी, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो क्या है, तो आप बोलोगे सर कैलिफोर्निया बिलिंग रेशियो एक ऐसा टेस्ट है जो कि हमें सबग्रेड की क्वालिटी बताता है कि सबग्रेड हम यूज कर सकते हैं नहीं, लाइक यहाँ पर 4 से 6 में बोला कि हाँ इस 4 से 6 ने क्या ठीक है आप यूज कर सकते हो, बिल्कुल अच्छी तो नहीं है बट हाँ आप कर सकते हो, तो इसलिए क्या बताया सबग्रेड की क्वालिटी बताई हमें, सीबीआर वैल्यू हमने पहले फाइंड करी और सीबीआर वैल्यू को फाइंड करने के बाद हमने देखा कि हाँ यार ठीक है चल सकता है, 6 से लेके 8 भी देखिए, 8 से लेके 20 भी देखिए, तो यहाँ पर क्या भाई हमें सीबीआर वैल्यू ने क्वालिटी ऑफ सबग्रेड बताई, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल सकता है। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, जिस दिन मैंने बोल दिया मेरा स्टेज 2 खत्म, जिस दिन मैंने ये बोल दिया मेरा स्टेज 2 खत्म, जब ये मेरा, अब आप बोलोगे कब निकलेगा, बट निकल जाएगा, जल्दी निकल जाएगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मैंने बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, वो मैंने आपको दरखा लगेगा RCC Steel, उसमें हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये मेरे स्टेज 1 में नहीं पढ़ाया था इसलिए मुझे इनमें टाइम लग रहा है। अगर आप बोलोगे क्या सर आपको RCC में टाइम लगेगा, मैं बोलूंगा नहीं लगेगा। सर क्या FM में टाइम लगेगा, मैं बोलूंगा नहीं लगेगा। आपको किसी में भी टाइम नहीं लगेगा, SOM में नहीं लगेगा, FM में नहीं लगेगा, RCC में लगेगा, स्टील में नहीं लगेगा। हाँ ये जो मैंने स्टेज 1 में नहीं पढ़ा इनमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्यों, क्योंकि ये मेरा पढ़ाई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, तो मेरे आगे अब ध्यान से देखना ये क्या है। तो अगर मैं बोलू फॉर सीबीआर रेशियो क्या है, एक वैल्यू है जो हमें सबग्रेड की क्वालिटी बताती है। सीबीआर क्या है, एक वैल्यू है जो हमें सबग्रेड की क्वालिटी बताती है। उसी तरीके से सेकंड जो टर्म है मेरे पास वो है आपका
मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। जिस तरीके से हम सीवियर वैल्यू फाइंड करते हैं, जो कि यह बताती है कि सबग्रेड रोड में आप यूज कर सकते हो या नहीं यूज कर सकते हो, उसी तरीके से जो मेरी सेकंड वैल्यू है, जो मेरी सबग्रेड को डिफाइन करती है, वो कौन सी होती है? मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन हम बोल सकते हैं इसको। ये बताता है कि जो पेवमेंट है उसकी जो नीचे की मिट्टी है, लाइक पेवमेंट क्या होता है, बेस कोर्स, सब बेस एंड सरफेस बेयरिंग कोर्स, ये जो मिट्टी है इनकी, जो हमारी पेवमेंट है, पेवमेंट के नीचे की जो मिट्टी है उसमें लोड सपोर्टिंग पावर है या नहीं है, लोड सपोर्टिंग पावर है या नहीं है, दैट मीन अब ध्यान से देखना। जनरली मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन यूज होता है फॉर रिजिड पेवमेंट। देखो जी, मैंने आपको बताया था दो टाइप की पेवमेंट होती है, एक होती है फ्लेक्सिबल पेवमेंट, लाइक जो हमारे बिटुमिनस रोड होती है वो फ्लेक्सिबल होती है। बिटुमिनस रोड का मतलब क्या है मैं बता देता हूँ, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या है मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपनी बाइक का स्टैंड लगाया, जो हमारी काला रोड, हम देखो मैंने आपको पहले बताया था, मेरे जो कॉन्ट्रेक्टर है वो क्या बोलते हैं, रोड को काला कर दिया। काला करने का मतलब क्या, बिटुमिनस रोड बनाई है उन्होंने। आजकल टार वार यूज नहीं होता, बिटुमिन यूज होता है, जो कि मैं आपको बताऊंगा इसी यूनिट में आगे बिटुमिन होता क्या है। तो मैंने आपको दो टाइप की रोड्स बताई है, एक होती है रिजिड, जैसे मान लो सीसी रोड है, कंक्रीट रोड है, कंक्रीट रोड पे जब हम साइड अपना साइड स्टैंड लगाते हैं तो वो कंक्रीट डैमेज नहीं होता, कंप्रेस नहीं होता, हल्का सा होता है पर फिर भी वो रिजिड रहता है, पत्थर की तरह रहता है। वहीं पर जो हमारी काली रोड होती है, जिसको हम बिटुमिनस रोड बोलते हैं, वो हल्के से कंप्रेस या फिर दब जाती है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रोड। जनरली मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन उस सबग्रेड के यूज होता है जहां पर आपकी रिजिड पेवमेंट यूज होती है। अब आप बोलोगे, आपने बोला कि सर ये रिजिड पेवमेंट के यूज होती है, तो फिर आप इसको कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो में क्यों बढ़ा दो, क्योंकि कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो, अब आपको मैं बताता हूं बात, कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो भी यहां से देखना, ये जो हमारा प्लंजर था, ये जो हम यूज करते प्लंजर, ये भी तो सॉलिडी होता है। कैलिफोर्निया बेयरिंग रेशियो में जो हम प्लंजर यूज करते हैं ये भी क्या होता है, सॉलिड। अब अगर मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन की बात करा जाए तो क्या बोलता है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन, किसी भी सॉलिड प्लेट को अगर आपने रोड के ऊपर रख के दबाया या सबग्रेड के ऊपर रख के दबाया, किसी भी एक प्लेट को जब हम सॉइल के ऊपर रखकर दबाते हैं तो सॉइल अपने अंदर रेजिस्टेंस प्रेशर डेवलप करता है, और ये रेजिस्टेंस प्रेशर एक्सटर्नल लोड को रेजिस्ट करता है। क्या बोला मैंने, अब ध्यान से देखना, मैंने आपसे क्या बोला, एक नई टर्म लेके आया हूं मैं, मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन। क्या है मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन? मॉड्यूलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन भैया ये बताता है आपका कि अगर कोई, अब देखो रिजिड पेवमेंट का मतलब क्या होगा, ये एक सॉलिड प्लेट होगी आपकी, एज ए सॉलिड प्लेट। तो मान लो सॉइल के ऊपर रखी हुई है, मान लो ये आपकी सॉइल है, ये आपकी सबग्रेड है ना, मैं आपको बता रहा हूं, ये आपकी सीसी रोड है। अभी आप ध्यान से देखना भाई, ठीक है, ये आपका कॉन्क्रीट रोड है और ये सबग्रेड के ऊपर है। अब ध्यान से देखना, तो जब रिजिड पेवमेंट पर लोड लगेगा, जब रिजिड पेवमेंट पर लोड लगेगा और जो आपका पेवमेंट होता है वो सॉइल के ऊपर ही रखा होता है, तो सॉइल भी अपने अंदर एक प्रेशर डेवलप करेगा। मान लो लोड आप इस डायरेक्शन में लगा रहे हो तो सॉइल अपने अंदर रिएक्शन प्रेशर डेवलप करेगा, ये रिएक्शन प्रेशर क्या डेवलप करेगा, मान लो इसका कोई एक्सटर्नल लोड पी लगा है, एक्सटर्नल लोड पी लगा है तो सॉइल भी अपने अंदर एक रिएक्शन प्रेशर को डेवलप करता है, और इस रिएक्शन प्रेशर को हम क्या बोलेंगे, देखो इसको हमने रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल पी से, रिएक्शन प्रेशर। भाई एक्सटर्नल लोड लग रहा है किसी भी रोड के ऊपर, पेमेंट के ऊपर, और वो ऑब्वियसली जो लोड होती है वो सबग्रेड के ऊपर होती है, तो क्या होगा कि जब इसके ऊपर लोड लगेगा, जब इसके ऊपर लोड लगेगा, मेरी बात ध्यान से सुनना दोस्तों, जब इसके ऊपर लोड लगा तो भाई सबग्रेड तो अपने अंदर रिएक्शन डेवलप करेगी, तो जो रिएक्शन प्रेशर सॉइल अपने अंदर डेवलप कर दिया उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया, पी से। अब सॉइल के अंदर जितना ज्यादा सेटलमेंट होगा भाई, जितनी ज्यादा, देखो जितना ज्यादा हम फोर्स लगाते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रेस डेवलप होता है। तो ध्यान से देखना दोस्तों, कहां पर आ गए, जितना ज्यादा आप फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा, देखो जितना ज्यादा हम फोर्स लगाएंगे उतना ही ज्यादा सॉइल के अंदर सेटलमेंट होगा। भाई जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे उतना ही ज्यादा, छोड़ ये छोड़, हमने क्या डिस्कस करा है, जितना ज्यादा एक्सटर्नल फोर्स आप लगा दोगे उतना ही सॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन होगा, और जितना ज्यादा सॉइल के अंदर डिफ्लेक्शन होगा सॉइल उतना ही अपने अंदर
एक रेजिस्टेंस प्रेशर डेवलप करेगा जो कि इस एक्सटर्नल लोड को अपोज करेगा। मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाया अच्छे तरीके से, ये आपको सारी चीजें याद रहेंगी। जितना ज्यादा एक्सटर्नल लोड लगा उतना ही ज्यादा सॉइल के अंदर सेटलमेंट होगा, और जितना ज्यादा सेटलमेंट होगा सॉइल उतनी ही अपने अंदर रिएक्शन डेवलप करेगी। अब ध्यान से देखना, दैट मींस जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ही रेजिस्टेंस प्रेशर डेवलप होगा। दैट मींस ये दोनों क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ उतना ही ज्यादा इंटरनल प्रेशर डेवलप हुआ, तो मैं बोल सकता हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जब ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है, जब ये घट रहा है तो ये भी घट रहा है। तो दैट मींस सेटलमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस प्रेशर, सेटलमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर रेजिस्टेंस प्रेशर। कहने का मतलब क्या है, ये भी एक वैल्यू है जो कि सबग्रेड की क्वालिटी को डिफाइन करती है। और क्वालिटी कौन सी है, लोड कैरिंग कैपेसिटी, सबग्रेड या सॉइल कितना लोड को झेल सकती है। अब ध्यान से देखना आप लोग, तो दैट मींस जितना लोड लगेगा उतना ही ज्यादा सेटलमेंट होगा, और जितना सेटलमेंट होगा उतनी ही सॉइल अपने अंदर रिएक्शन प्रेशर डेवलप करेगी। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल में हटाता हूं भाई, जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल में हटाता हूं तो निकल कर आता है एक कांस्टेंट। ये हमने 10वीं 11वीं में पढ़ा था फिजिक्स में, जब प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हम हटा देते हैं। तो दैट मींस जैसे ही मैंने प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दिया, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो यहां पर निकल कर आता है एक कांस्टेंट जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन मल्टीप्लाई बाय प्रेशर इंटेंसिटी। और यहां पर आपका जो ये मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन निकल के आता है, क्या निकल के आता है, सेटलमेंट डिवाइडेड बाय रिएक्टिव प्रेशर। अब जितना ज्यादा, अब ध्यान से देखना कौन सी सॉइल अच्छी होगी। अगर मैं आपसे बात करूं तो यहां पर हमने क्या बात करा, जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है, सेटलमेंट हो रहा है सॉइल का, उतना ही रिएक्शन डेवलप हो रहा है। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सी भाषा में, और इसका फॉर्मूला क्या है, सेटलमेंट अपॉन रिएक्टिव प्रेशर। अब ध्यान से देखना, हमने क्या करा, जो हमारी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो की वैल्यू आई थी, जो हमारी कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो की वैल्यू आई थी लाइक 2 IT 3 IT, उसको यहां पर किससे रिलेट कर दिया गया, मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन से। तो अगर अभी एक वैल्यू देखो, ध्यान से देखना, अगर किसी सॉइल की कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो 2 है तो उसका मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शन कितना आएगा, 21। अभी कैसे आएगा वो मैं आपको बताऊंगा इसके नेक्स्ट लेक्चर में, दिखाता हूं मैं आपको, दिखा देता हूं मैं आपको, चलो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको दिखाऊंगा। तो ठीक है, मैं अपना लेक्चर में खत्म करता हूँ, और मैं आपको मिलूंगा बाद में, क्योंकि मुझे निकलना है। टेक केयर, बाय बाय।